सुशांत एक बहुत ही अच्छा एक्टर था। जब मैंने दिल बेचारा बनाने की सोची तो मुझे हमेशा से पता था कि मुझे सुशांत ही चाहिए, और उसने भी मुझे वादा किया था कि जब आप अपनी पहली फिल्म बनाओगे तो मैं उसमें हीरो का रोल करूंगा, और उसने अपना वादा निभाया। कई बार लाइन रिहर्सल किया करते थे, लेकिन हमें इतना पता है ना कि हमें विलन ढूंढना है। हाँ, ढूंढना है ना। लेकिन बीच बीच पर बहुत मस्ती भी किया करते थे। संजना की पहली फिल्म थी और सुशांत ने उसका साथ बहुत अच्छे से निभाया, हमेशा उसको सपोर्ट करता था, हमेशा उसके साथ रिहर्सल करता था, और उनकी केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत लगती थी कि बस देखती रह जाता था। सुशांत की एनर्जी इतनी कमाल थी कि सब उसको देखते रह जाते थे। पूरा सेट उसके एनर्जी का दीवाना था, हमेशा हंसता खेलता रहता। इसको मेरा असली नाम ही पता कौन था? बोल के तुम्हें धोनी धोनी बोला तो वो नहीं जानता। उसको देखने के लिए जमशेदपुर में भीड़ लग जाती थी। पेरिस का शेड्यूल बहुत छोटा था लेकिन बहुत सारा काम, हमको बहुत सारे रोमांटिक और बहुत सारे इमोशनल सीन शूट करने थे। जब भी सुशांत कोई इमोशनल सीन करता था तो वे कॉर्नर में चुपचाप बैठ जाता था, अपना हेडफोन लगाता था और सिर्फ म्यूजिक सुनता था। वो हमेशा एक मूड में रहता था सीन से पहले। मुझे याद है पेरिस के लास्ट सीन, वो इतना इमोशनल सीन था, वो खत्म करने के बाद वो आया और मुझे बहुत जोर से हग किया। सुशांत एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर था, उसकी टाइमिंग, उसके इमोशन, वो हर सीन को इतने अच्छे से इमोट करता था। ये फिल्म उसके बगैर बन नहीं सकते थे। वाह, एक और ले लो सर, वो वाला बहुत क्यूट है यार, एक बार ले लो। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि आई लव हिम, विल ऑलवेज लव हिम, और थैंक यू बोलना है कि मेरी फर्स्ट फिल्म को इतना मेमोरेबल बनाने के लिए। थैंक यू सुशांत। Good.